और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 9 राज्यों की राजधानियों की तुलना में भोपाल में सबसे महंगा हो गया है पेट्रोल। जुलाई में 9 बार बड़े पेट्रोल डीजल के दाम। शहडोल और बालाघाट में डीजल 100 के पार हो गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 31.55 रुपया प्रति लीटर वैट लिया जा रहा है। 31.55 रुपये जो देश में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वैट मध्य प्रदेश में लिया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 9 राज्यों की राजधानियों की तुलना में भोपाल में पेट्रोल सबसे महंगा है। जुलाई में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। शहडोल और बालाघाट में डीजल 100 के पार है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। अकेले मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 31.55 रुपये प्रति लीटर वैट लिया जाता है, जो देश में सबसे ज्यादा है। प्रदेश में प्रति लीटर 31.55 रुपये ये वैट लिया जा रहा है। सबसे महंगा है राजधानी भोपाल में ये पेट्रोल। 9 राज्यों की तुलना में राजधानी भोपाल ऐसा शहर, ऐसी राजधानी जहां पर पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा हाई हैं। और मध्य प्रदेश में वैट सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे पेट्रोल पंप से अरविंद चौहान इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, कोरोना की महामारी और ऊपर से महंगाई की महामारी, और महंगाई की महामारी ने लोगों का भत्ता बिठा दिया है। 31.55 रुपये वैट लिया जा रहा है मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर, सबसे ज्यादा वैट है। शिवम निश्चित तौर पर कहेंगे, कोरोना के बाद जब पेट्रोल के रेट बढ़ने शुरू हुए तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि महंगाई भी चरम पर पहुंच गई, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से ही यातायात और कहीं ना कहीं माल बढ़ा डूबता है और ये सामान आता है, इसी के चलते महंगाई बढ़ रही है, जो विशेषज्ञ कहते हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं, इस बार हम बात करें मध्य प्रदेश में भोपाल की, तो यहाँ पर जो पेट्रोल का रेट है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि मुझे दिखाने की कोशिश करें, 110.20 रुपये यहाँ पर पेट्रोल चल रहा है और 98.67 यहाँ पर डीजल चल रहा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि काफी महंगा है यहाँ पर डीजल और पेट्रोल। इस वक्त हमारे साथ वो कुछ लोग हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। भाई, आप अभी पेट्रोल लेने आए हैं, एक मिनट सुनना, क्या नाम है आपका? यहाँ पास में आइए, आपको हम कितने रुपए लीटर पेट्रोल है और क्या फर्क पड़ा है? आप क्योंकि क्या खुद ही ये ऑटो चला रहे हैं, तो कितना अंतर आया है पहले, एक साल पहले से वो आज में? क्या सवारियां पैसा आपको देती हैं? क्या फर्क पड़ा है पेट्रोल लीटर? पैसे तो हम 100 लगते हैं, 50 लेना, 40 लेना, पेट्रोल दे रहे हैं। फर्क पड़ा है, क्या फर्क क्यों नहीं पड़ा साहब? दाल रोटी भी नहीं मिल पा रही इसमें, सवारी पैसे दे नहीं रही, पेट्रोल इतना महंगा है। अच्छा, कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। मतलब दाल रोटी भी नहीं कमा पा रहे? नहीं कमा पा रहे। एक बार हमारे साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, क्या नाम है आपका जी? चलिए, आप देखेंगे पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। हमारे साथ कुछ और ग्राहक हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, अभी पेट्रोल लेने आए आप? अच्छा, नहीं, एक ये अभी आप पेट्रोल लेने आए हैं तो डीजल पेट्रोल क्या भाव मिल रहा है यहाँ? अच्छा, चलिए आप देखेंगे शिवम। साफ तौर पर यहाँ अभी सुबह सुबह है और सुबह का माहौल यहाँ पे है, लोग यहाँ पर कम आ रहे हैं, तो वहीं पेट्रोल पंप के जो लोग हैं उनका कहना है कि ग्राहकी में जरूर जो यहाँ पहले पेट्रोल का जो सिस्टम था, पेट्रोल जो लोग भरवाने आते थे पहले, अगर 500 का लेते थे, लेकिन अब वही पेट्रोल उनको आप 700-800 का लेने लगे हैं, क्योंकि 10 लीटर पेट्रोल लिया जाए तो लगभग वो 1100 रुपये चुकाने पड़ते हैं उन्हें एक बार में। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं 1000 रुपये में 10 लीटर पेट्रोल भी नहीं आ रहा है, तो उनकी गाड़ी तो कम चलती चलती है, साथ में और उनकी जेब भी खाली हो रही, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पूरे, अगर हम बात करें पूरी, लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सबसे सस्ता पेट्रोल है, और राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेगा पेट्रोल, अगर हम बात करें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ की राजधानियों में पेट्रोल लगभग 8 से 10 रुपए सस्ता है, तो वहीं राजधानी भोपाल में लगभग 10 रुपए महंगा है। तो साफ तौर पर
सरकारों को सोचना चाहिए कि एक तो आदमी जो कोरोना की मार से अभी उबर नहीं पाया हो, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। अब आप देखेंगे 98.67 रुपए यहाँ पर डीजल चल रहा है, साफ तौर पर कहेंगे कि शतक लगाने की स्थिति में डीजल है यहाँ पे, और जो पेट्रोल के भाव है वो 110 रुपए से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरीके से रेट रहे तो वो महंगाई और भी बढ़ेगी। अभी चूंकि डीजल और पेट्रोल के जब रेट बढ़ते हैं तो उससे माल भाड़ा की जो आवाजाही बढ़ जाती है, उसका माल भाड़ा महंगा हो जाता है, उसके चलते सारी, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो घरेलू सामान हो, वो सब महंगा हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका।